जी हाँ, जिस प्रकार से नारायणपुरा इलाका से जो प्रत्यादर्शी है वो रैली के रूप से यहाँ से निकले हुए हैं और काफी संख्या में यहाँ से भाजपा की रैली यहाँ पे निकल चुकी है और सभी जो जनसंपर्क के लिए ये लोग यहाँ से निकले हुए हैं, घर घर जाके सभी को मिलते हैं और बोलते हैं जिस प्रकार से भाजपा को वोट दीजिए और भाजपा को जिताइए। जो गीता बहन है क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से प्रत्यादर्शी और बीजेपी का जो अभी जो एक सीट को आप जीत चुके हैं, दूसरे तीन सीट जो बाकी है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? इनके लिए कुछ कहना नहीं, हम 10 साल से इधर काउंसिलर तरीके रह चुके हैं, हमने पूरा काम कर दिया है एक सोसाइटी में और प्रजा का इतना उमंग है। अभी हम राउंड में घूम रहे तो एक भी कंप्लेन आ रही है, लगभग अहमदाबाद में सबसे ज्यादा लीड से तीनों पैनल हमारी निकलेगी। जिस प्रकार से सरकार के द्वारा जो बीजेपी के द्वारा कहा गया था 60 साल के ऊपर के आदमी को टिकट नहीं मिलेगा और रिपीट जो थियरी थी वो नहीं होनी चाहिए, फिर भी आप रिपीट है तो क्या कहना चाहेंगे? मेरा 60 साल हुआ ही नहीं, रिपीट की बात कर रहा हूँ, रिपीट में 2 साल हुआ ना, 2 टर्म हो गए ना, तो क्या किसी ने दूसरी पार्टियों ने कुछ दूसरी पार्टी नहीं हम सामने अभी कार्यालय में काफी आप पार्टी काफी जोर शोर से आपके सामने आई हुई है और आपके कांग्रेस को छोड़ दीजिए आप पार्टी काफी जोर शोर से है अभी। मेरे सामने तो आई नहीं है अभी तक, राउंड में भी नहीं दिखी। आप बता रहे हो कि राउंड में निकली, काफी मीडिया को भी मालूम है कि आप पार्टी आपके सामने जोर शोर से है, क्या कहना चाहेंगे गीता मैम? जोर से बोले वो झूठ होते हैं, वो सच नहीं होते, इसलिए कोई पार्टी हमारे सामने खड़ी ही नहीं रहती और है भी नहीं। गुजरात में या अहमदाबाद में नारायणपुरा वार्ड 9 नंबर के सभी 20 साल से सबसे पहले नंबर से जीतती आई है, 8 पैनल पहले से ही विन हो गई है, 192 में से 191 पे जीतना है, एक सीट हमारी विन ऐसे ही हो गई है। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं लगता है ना कि कहीं पीछे से डर लगता हो कि आप पार्टी सामने आ गई है? क्यों लगे डर, ये भारतीय जनता पार्टी है, कभी किसी के रक्त नहीं है, संगठन की पार्टी है, संगठन के साथ चलती है, ये कार्यकर्ता की पार्टी है, नगरजनों की पार्टी है, हम तो एक व्यवस्था के भाग के रूप प्रतिनिधि के चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए हम संगठन के माध्यम से और प्रचार करते हैं तो हमारे सभी कार्यकर्ता के कंधे से कंधा मिला के ही करते हैं, इसलिए हम किसी से डरते नहीं है, हमारी पार्टी विन है, कॉरपोरेशन में अहमदाबाद में भी विन है, गुजरात राज्य में भी विन है और केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी विन है। ये एक पावर है, पावर का तो हिसाब नहीं है कि जिस प्रकार से गृह मंत्री अमित शाह है और प्रधानमंत्री जो देश का कमान संभाल के बैठे, इसके लिए ये पावर दिखाई दे रहा है, ऐसा तो नहीं है? अमित जी साहब गृह मंत्री थे, हमारे वार्ड के ही है, वो भी प्रेस प्रमुख रह चुके हैं, वो भी प्रेस का प्रमुख था, इसके काम की नीति को लेके हम सभी कार्यकर्ता नारायणपुरा के लगे हुए, ऐसे इसका फायदा हमको हो रहा है। तो क्या लग रहा है कि सभी पार्टियों को मात देते हुए बीजेपी विन होने जा रही है? बीजेपी एक सभी पार्टियों को मात देते हुए बीजेपी विन होने जा रही है? हमारे यहाँ पार्टी भी नहीं है, आपका उम्मीदवार भी कोई नहीं है, कोई अपनी ऑफिस भी नहीं खोली है, कांग्रेस वाले ने कल ही खोली है, उसमें 4 ही आदमी थे, हमारे यहाँ 400 आदमी थे। अच्छा, वृंदा बेन आप भी जुड़ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बहुत खुश हूँ, बिन हरीफ चुनाव और मेरा बिन हरीफ घोषित हो गया, लेकिन मैं अपने साथी उम्मीदवारों के साथ प्रचार के आपके सामने ही हूँ, प्रचार के माध्यम में जुड़े रहूंगी। जी हाँ, जिस प्रकार से गुजरात में चुनावी माहौल चल रहा है और इसी प्रकार गुजरात में फर्स्ट अहमदाबाद से जो भाजपा की जो प्रत्यादर्शी थी वृंदा शुर्ती, जिन्होंने जीत हासिल की है सभी के सामने, वो आज मेरे साथ है। वृंदा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। मैं पूछना चाहूंगा जिस प्रकार से पूरे गुजरात में अभी तो चुनाव की रैलियां चल रही है, सभी संबोधन चल रहे हैं, सभी सभाएं अटेंड हो रही है, उनके पहले ही आपने बीजेपी से सीधा चुनाव जीत लिया है, आपके प्रत्याशी आपके सामने जो खड़े थे वो लोग कहीं ना कहीं हार स्वीकार करके आपने चुनाव जीता है, नारायणपुरा इलाका जो अमित शाह का इलाका है, क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार का आपके अंदर जो चल रहा है आपका अनुभव बताएंगे? मेरा अनुभव तो मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे आरओ ऑफिस से कॉल आया था कि आप चुटनी एजेंट का फॉर्म ले जाए, लेकिन मैं वहाँ 4 बजे पहुँची तो मुझे तो ब्रेकिंग न्यूज़ मिला, और ऑल क्रेडिट टू अवर अपने चुटनी आयोग और अपने मेरे फादर इन लॉ जो 1987 में माननीय कौशिक पटेल साहब के साथ खानपुर वार्ड में कॉरपोरेटर रह चुके हैं, और उनसे इंस्पायर होकर 10-15 साल के अनुभव के साथ और उनके साथ राजकीय और सामाजिक प्रवृत्ति के साथ मैं जुड़ी हुई थी, और वो सब अनुभव के साथ मैं आज ये इस मुकाम पे पहुंची हूँ, ऑल क्रेडिट टू माई फादर इन लॉ। जिस प्रकार से जीत हासिल की, आपके सामने कौन कौन खड़ा था? मेरे सामने कांग्रेस पक्ष के वो महिला उम्मीदवार और आप पक्ष के वो महिला उम्मीदवार से मैं अनजान हूँ, मुझे तो
भारतीय जनता पक्ष से जुड़ा रहना है। लेकिन फिर भी आपको बताना पड़ेगा कि आपने जीत हासिल की, वो दोनों का क्या रीजन था, क्या हुआ था तो आपकी जीत हासिल हो गया? उन्होंने अपना चुटनी फॉर्म वापस ले लिया और मुझे तो ब्रेकिंग न्यूज मिला कि आप बिन हरीब घोषित हुए हो। जिस प्रकार से अमित शाह का विधानसभा इलाका है ये जो नारनपुरा, कोरोना काल चल रहा था, काफी सारी दुविधाएं चल रही थी, पूरे लोग जो कोरोना बीमारी से संक्रमित थे, तो उस वक्त आपने जनता के बीच में जाके किस प्रकार के काम किए हैं और आप नहीं जीतते अभी फिलहाल, जब चुनाव हो जाता बाद में जीत आपको मिलती, तो आप जनता के लिए क्या क्या काम करते? जनता के लिए मैं तो अभी जीती हूँ, लेकिन कोरोना काल में हमारे घर पे वो सब जो आर्थिक स्थिति से जो अपने वो जिनके पास पैसा नहीं था हॉस्पिटल के लिए एडमिशन के लिए सबको तकलीफ थी, जिनके पास राशन पूरा नहीं था, वो सब हमारे सूर्या के जो कार्यकर्ता है उन्होंने सबने कोरोना काल में सबको मदद की और सबके घर घर राशन पहुंचाया। और वो जो छोटे से छोटे आदमी है और जो वडील है जिनको माँ कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जिनको विधवा सहाय योजना चाहिए, सबको हम अपने प्रयास से मदद करने के लिए तत्पर हैं। आप अभी काउंसलर बन चुकी हो और ताज पहन लिया है, आप अभी जनता के बीच में जाके, जनता का काफी सारे सवालों है, जिस प्रकार से रोड ले लो या पानी ले लो या काफी सारी बहुत सारी दुविधाएं है, किस प्रकार से क्लियरेशन करेंगे? मैं अपने साथी उम्मीदवार, अपने कैंडिडेट माननीय श्री मेरे तो वडील समान जयेश भाई पटेल, गीताबेन पटेल और अपने नए जो कैंडिडेट है दर्शन भाई शाह, उनके साथ राउंड में और प्रचार में लगी हूँ। और सब प्रजाजन के जो छोटे छोटे जो रीजन है कि पानी नहीं आता, रोड, वो सब हमारे भाजपा के कार्यकर्ता नोट डाउन करते हैं और उनको वो जल्दी टूक समय में हम निराकरण लाने के लिए सक्षम है। आपके बाद जो तीन अभी कैंडिडेट बाकी है, क्या लग रहा है? आप तो जीत चुकी है, अब तीन कैंडिडेट जो भाजपा से जुड़े हुए हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या अभी भी उनके सामने जो आप पार्टी सामने खड़ी है, जिस प्रकार से कांग्रेस भी है, काफी दूसरी और पार्टियां भी यहाँ पे गुजरात में दस्तक दे चुकी है, क्या लग रहा है आप तो जीत चुके हैं लेकिन दूसरे जो तीन कैंडिडेट है वो जीतेंगे या हारेंगे? मैं तो जीत चुकी हूँ, वो मेरे लिए गौण विषय है, लेकिन वो तीनों उम्मीदवार की जीत तो निश्चित है और उनको जंगी बहुमति के साथ लीड करवाना है और उनके साथ मैं प्रचार और प्रसार के माध्यम से जुड़ी रहूंगी। काफी अच्छी और सराहनीय बात उन्होंने वृंदा सूरती ने बताई थी और काफी सारी उन्होंने बताया कि मैं जीत चुकी हूँ लेकिन मैं जनता के बीच में जाके जो भी उनका जो कार्य रहेगा, उनका जो काम रहेगा, वो मैं करती रहूंगी और जनता के बीच में जो विश्वास लेके आई वो विश्वास पूर्ण करेगी। जी हाँ, आप देख रहे हो न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूँ प्रणव सिराजपुर और फिलहाल मैं अभी जहाँ पे खड़ा हूँ अमित शाह, जो हमारे गृह मंत्री है, देश के जो गृह मंत्री है उनका इलाका है, जो वो एक छोटे से कार्यकर्ता थे और यहाँ से बूथ से कार्य किया करते थे, जब फर्स्ट टाइम वो जो गुजरात के जब नरेंद्र मोदी सीएम थे तब उनके सरकार में वो भी गृह मंत्री थे और अभी भारत के जो गृह मंत्री का कमान संभाले हुए बैठे हुए हैं अमित शाह जी, उनका इलाका है। मैं मेरे कैमरे में इनको दिखाना चाहूंगा, जिस प्रकार से जो पूरा इलाका है वो पूरे हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी है उनका इलाका है, वो जब यहाँ पे जो कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पे देखा करते थे तब यहाँ पे एक साइड कार जो बजाज का आता था वो लेके यहाँ से घुमा करते थे और काफी छोटे कद से वो बड़े कद पे आए हुए है और आज यही इलाके से मैं रिपोर्टिंग करने आया हूँ और मैं जो न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम है आज अमित शाह के जो होम टाउन है, होम टाउन पे आज न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम है और मैं प्रणव सिंह राजपूत, कैमरामैन गोपाल भाटी के साथ न्यूज वर्ल्ड इंडिया गुजरात।